हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। और रिएक्शन करने लगी हूँ अभी मैं अलविश यादव रोस्टिंग जोगिंदर। सो आई थिंक ये वही वीडियो है जिसपे जोगिंदर ने अलविश को कहा था कि मुझे रोस्ट मत करना वरना मेरा रिश्ता नहीं आएगा। मतलब कि मुझे पहली दफा ऐसे पता चला है कि रोस्ट होने से रिश्ता ही नहीं आता। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि अलविश ने इंटरव्यू में बताया था, रियल हिट इंटरव्यू में, कि जोगिंदर ने ऐसे उसको फोन करके बोला था। तो इट इज क्वाइट फनी। सो देखते हैं कि फिर भी उसके बावजूद अलविश ने रोस्ट तो किया था उसको। तो देखते हैं कि क्या रोस्ट किया था और कैसे किया था। रोस्टिंग वीडियो आई थिंक अलविश अब नहीं बनाता, पहले किए हैं। सो देख लेते हैं, मजा आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और इंस्टाग्राम पर जरूर जल्दी से जाकर फॉलो कर रहे हैं, वहां पर भी आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स प्ले द वीडियो। मैं वैसे बोल रहा हूँ यार, अब मेरे को ऑफेंड मत करो भाई। तो भाई अब बात करते हैं इंटरनेट के सबसे बड़े बवंडर के बारे में, सबसे बड़े सेंसेशन हमारा बवंडर भाई तो मशहूर है जोगिंदर के उसका। बारे में। भाई हमारा भाई जोगिंदर इतना इतना हमारा भाई जोगिंदर है, वो क्या ही बताऊं, वो उससे जलील होके आया जिसको पूरी दुनिया जलील कर रही है। थारा भाई जोगिंदर ने वीडियो बनाई फेसबुक पर, करोड़ों लोगों ने देखी वीडियो। नहीं, करोड़ों में तो नहीं देखी है, लेकिन ऐसे हजारों में देखी है, सैकड़ों में देखी है। ये दीपक कलाल है यार, कितना भाई बदल गया ये। जोगिंदर नु कह रहा कि भाई मुझे करोड़ों लोग देखते हैं। भाई बिल्कुल सही कह रहे, तुम्हें करोड़ों नहीं, तुम्हें भाई अरबों लोग, खरबों लोग देखते हैं, पूरी दुनिया के लोग देखते हैं तुमको। पर पता कब देखते हैं तुम्हें? तुम्हें सुबह देखते हैं यार। भाई फोन ले आया चोर बाजार से, मुझे लगा खेत से लाया होगा। वैसे भाई यार ये सब ज्यादा चीज बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देख के पता चल जाता कि तुम ये चीज कहाँ से लाए हो, कहाँ से नहीं ले आए। भाई नाई की दुकान पे गया था आज बाल कटवाने के लिए, वहां से कंघा उड़ालाया चुपचाप। वैसे भाई तुम्हारी शक्ल देख के ना मेरे को एक चीज पता चली, शक्ल देख के भी नहीं, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बताया कि तुम ना भाई प्रोफेशनल चोर हो यार। यार पीछे पार्टा कितना क्यूट लग रहा है। तुम चुराते हो, कभी तुम कंघा चुराते हो, कभी तुम लोगों का पैसा चुराते हो। अच्छा नहीं बताने का ये बात, सॉरी 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 सॉरी। सोशल मीडिया के अंदर अगर तुम यूट्यूब पे रोस्ट मारोगे ना तो जोगिंदर बवंडर लाएगा सोशल मीडिया के अंदर। बवंडर यार, इसने दिमाग में दर्द कर रहा है, रोस्टिंग से डरता है मुझे लगता है जोगिंदर। बवंडर ला दूंगा, अरे भैया कहाँ कहाँ तो लाएगा बवंडर, कहीं खरीद के लाएगा, किस तारीख को आ रहा बवंडर। एक काम कर, देखो ना आपको रिप्लाई तो देगा इस वीडियो का, मुझे पता है। तो उसमें अच्छा इसका रिप्लाई आया था, भाई इस तारीख को ये लो बवंडर आ जाएगा और मेरे घर भेज दियो बवंडर, ठीक है। और दूसरी साइड वो बी पर आके अनु के बारिश की जाए, बारिश की जा रहा है भाई। इन दोनों ने मिलकर पता क्या कर रखा, तुम दोनों ने मिलकर मौसम विभाग वालों की नाक में दम कर रखा है। 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ, तू जहाँ पे है उससे भी वहाँ पे हूँ, आखिर देख जरा कैसे मैं जीता हूँ, बिना शोज किए महंगी चीजें खाता। यार इसी वजह से मेरे को जोगिंदर से प्यार है, क्योंकि ये इंडिया में एकमात्र ऐसा बंदा है जो हिंदी गाने में हरियाणवी लिपसिंग करता है यार। और ये ऊपर का दिख रखा तू दे, थारा भाई जोगिंदर वर्सेस समीर मार। देखो भाई वैसे पढ़ाई लिखाई के मामले में हमारा भाई जोगिंदर एकदम निल बटा जीरो है, बिल्कुल खत्म आदमी, मतलब दिमाग जिसमें है नहीं, बुद्धि एकदम जीरो, पर गेम करने के मामले में हर्षद मेहता का बाप है। जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, यार मेरा एक क्वेश्चन है तेरे से यार, तू एक बात बता, तू अपने नाम के आगे थारा भाई क्यों लगाता है? ताकि तू नेपोटिज्म का फायदा उठा के बॉलीवुड में जा सके। तो भाई देखो यार जोगिंदर के बारे में फालतू नहीं बोलूंगा, जोगिंदर इज लाइक माय ब्रो यार, मतलब मुझे इतना दिल का साफ बंदा लगता है। मतलब ये जितने भी रिप्लाई मैंने देखे हैं यूट्यूबरों को, छपरी छपरी कह ले कोई बात नहीं, तो मेरे को भी छपरी कह ले यार। भाई एक चीज मैंने, छपरी क्या होता है, बिल्कुल गाली नहीं देता भाई को, नहीं पता इतने सारे रोस्ट बन रखे उनको, सबको लाइटली लेता वो सारी चीजों में, सेम चीज बोलता, बवंडर ला दूंगा, बारिश ला दूंगा, बोरिंग चला दूंगा यार। तू जो भी है फनी कैरेक्टर है, कोई हेट नहीं है। और यार मेरी पब्लिक अगर जोगिंदर के पास जा रही है तो भाई मेरी तरफ से भाई को बहुत सारा प्यार देना, कोई हेट नहीं फैलानी, कोई हेट नहीं फैलानी, नहीं तो और यूट्यूबर आके बोल देंगे ये तो जी टॉक्सिक है, ये तो हेट फैला। कितना पॉजिटिव रोस्ट किया है उसने। तो भाई वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज कर देना, और मुझे पता है तुम लोग डीएम में पूछ। ओके सो ये वीडियो जो थी, ये थोड़ी सी वीडियो थी, जोगिंदर पे थोड़ा सा रोस्ट किया क्योंकि जोगिंदर ने कहा था ना ज्यादा मत करना, इतने ज्यादा मतलब उसने इंसल्ट नहीं की, बेसिकली बहुत ही पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव वे रोस्ट किया गया है। सो मुझे तो ये क्यूट सा रोस्ट लग रहा था, और पीछे पांडा जो था वो बहुत क्यूट था, और अच्छा वीडियो थी, अच्छी वीडियो थी। मुझे लगता है अब अलविश को दोबारा से रोस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने बड़ी जगह से सुना है कि अलविश रियलिटी में बहुत फनी इंसान है, सो वो व्लॉग्स में देख के भी पता चलता है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है उसको करना चाहिए, उसको रोस्टिंग वीडियोस नहीं, वैसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रोस्टिंग वीडियोस करते हो तो फिर वो जिसपे जिसको आप रोस्ट करते हो वो आपका दुश्मन ही बन जाता है। ठीक है जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, अच्छा चल रहा है सब, व्लॉग्स चल रहे हैं, गेमिंग चल रही है, वो दूसरी वीडियोज़ आई थिंक अभी एक और वीडियो और उसकी आने वाली है जिसका मैंने देखा है कोई पोस्टर वगैरह या कोई प्रोमो टीज़र टाइप था कुछ,
मैंने देखा नहीं है लेकिन मेरे सामने आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा है। सो उसका वेट करते हैं। और मज़ा आया, थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ी वीडियो लंबी होनी चाहिए थी लेकिन ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना और सजेस्ट करें मज़ीद किस पे रिएक्शन करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।